आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं शीतल राजपूत और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जिसको लेकर हर किसी के मन में अलग अलग तरह की राय है, अलग अलग तरह के विचार हैं। खासकर विरोधी नेताओं ने जो राहुल गांधी की छवि बनाई है उस पर आज राहुल गांधी भी खुलकर खुद बात करते हैं। दरअसल राहुल गांधी पिछले कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, फिलहाल कुछ दिन के लिए ब्रेक पर हैं और आने वाली 3 तारीख यानी 3 जनवरी 2023 से वो फिर से यात्रा पर निकलेंगे। 108 दिन की अब तक की यात्रा में राहुल गांधी ने क्या पाया, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की सियासी छवि कितनी बदली, राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मजबूती मिलेगी, ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हमने। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान, उसी नफरत की बाजार। 18 साल के सक्रिय राजनीतिक करियर में ये राहुल का वो अग्निपथ है जिसने उन्हें आज कांग्रेस में उम्मीद का एक बड़ा चेहरा बना दिया है। ये राहुल गांधी की सूझबूझ और परिपक्वता की ऐसी परीक्षा है जिस पर आज कांग्रेस का वजूद टिका है और इसी वजूद को बचाने के लिए राहुल गांधी पिछले 3 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल का कद कितना बढ़ेगा, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के खोए जनाधार को पाने में कितना कामयाब होंगे, क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी का सियासी मेकओवर होने जा रहा है? बेशक इन सवालों के जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं जो राहुल गांधी को एक परिपक्व राजनेता के तौर पर तराशने के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कई मौके पर राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी नजर आए। राहुल कभी अपने मां के पैर के जूते की लेस बांधते नजर आए, कभी मां के गले लगकर प्यार जताते दिखे तो कभी मां के गाल पकड़कर शरारत करते नजर आए। यात्रा के दौरान फिल्मी हस्तियों का भी साथ मिला तो कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। मंदिर में जाकर पूजा पाठ किए तो वहीं मजार पर जाकर चादर चढ़ाई। लेकिन सबसे अहम और सियासी विरोध से परे राहुल ने तब सभी को चौंका दिया जब वो दिल्ली में सदैव अटल पहुंचे। बीते 26 दिसंबर को राहुल गांधी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके जरिए राहुल ने साफ संकेत देने की कोशिश की कि उनके मन में किसी भी विरोधी नेता के प्रति सियासी नफरत नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह कि कड़ाके की ठंड के बावजूद राहुल सिर्फ एक सफेद रंग के टी शर्ट में नजर आए। राहुल न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ सफेद रंग की टी शर्ट में ही नजर आए। ये तस्वीर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय की है। मौका था कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम का। मां सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इस दौरान भी राहुल सिर्फ एक टी शर्ट में ही नजर आए। यहाँ की एक तस्वीर भी लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। कार्यक्रम के दौरान एक जगह सोनिया गांधी अपने बगल में बैठी कांग्रेस नेता अंबिका सोनी से बातचीत कर ही रही थी तभी राहुल मां के गाल पकड़कर शरारत करने लगे। राहुल के इस शरारत पर मां सोनिया भी हंस पड़ी। मां के साथ राहुल का ये वीडियो और कड़ाके की ठंड में भी सिर्फ टी शर्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉर्निंग सर, ठीक है? टी शर्ट ही रहेगी, क्या लगा था? कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उसमें जान फूंकने की लगभग पूरी जिम्मेदारी इस वक्त राहुल गांधी के कंधों पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी आज राजनीति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सियासी चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा धाकड़ नेता उनकी काबिलियत का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। लोकसभा के 53 सीटों पर सिमटी कांग्रेस के जख्मों पर अब सिर्फ राहुल ही उम्मीद का मरहम नजर आ रहे, जबकि राहुल पर राजनीति के वो अत्याचार हो रहे जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी।
विरोधी नेताओं ने राहुल की ऐसी छवि गढ़ दी जिससे कांग्रेस को नुकसान तो हुआ, लेकिन राहुल मानते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 3 महीनों की यात्रा के बाद आज भी वो उतने ही एनर्जेटिक है जितने पहले हुआ करते थे। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक 108 दिनों में 10 राज्यों के 47 जिले कवर कर चुकी है। तकरीबन 2800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली गई है। करीब 500 किलोमीटर की यात्रा अभी बाकी है। कांग्रेस ने 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा का टारगेट बनाया है। अभी 3 राज्यों यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर से यात्रा का गुजरना बाकी है। राहुल गांधी की इच्छा तो यही है कि वो 2024 में विपक्ष के एक ऐसे चेहरे बने जिनके इर्द गिर्द पूरी विपक्षी एकता हो और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत चुनौती दी जा सके। लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि सुधर जाने के बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं जैसे कि ममता बनर्जी हैं, जैसे कि चंद्रशेखर राव हैं, जैसे कि जगन रेड्डी हैं या दूसरी अन्य जो शक्तियां हैं वो राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगी। इस यात्रा के दौरान लोगों ने राहुल की अब तक की बनाई गई पप्पू वाली छवि से हटकर उनमें एक नए राहुल को देखने और समझने की कोशिश की है। खुद राहुल ने भी देश के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के मनमौजी बेटे से हटकर एक अलग राहुल गांधी के रूप में जनता से संवाद करने की कोशिश की है। मंत्री ने बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में, हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप चुप। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, पूरे देश में फैला दिया। और फिर एक महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। सवाल उठता है कि राहुल ने अपनी स्थापित छवि को बदलने में कितनी कामयाबी हासिल की। राहुल की इस यात्रा से जो एक परसेप्शन बना हुआ था इस देश में, अब बन गया था कि अपोजिशन कमजोर है, तो एक तो वो थोड़ा सा नैरेटिव जो है वो चेंज होने की स्थिति है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते उन्होंने अपने को पेश किया है कि हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, और ये जो चीज़ है शायद भारत की सियासत में एक जो गैप बनता जा रहा था उसकी भरपाई करेगा। और राहुल गांधी जो गांधी परिवार की लीगेसी है, कांग्रेस की जो लीगेसी है, जो उनकी परंपरा है, उसको शायद ज्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। अहम सवाल ये है कि अब तक सुचारू रूप से चले इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ। उनकी पार्टी कांग्रेस के प्रति जनविश्वास किस हद तक लौटा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा से 2 बातें साफ तौर पर स्पष्ट हो गई हैं। पहला ये कि पार्टी कैडर में नया विश्वास जगा है, यही वजह है कि यात्रा में भीड़ देखने को मिली। और दूसरा ये कि जमीन पर कांग्रेस के नजर नहीं आने वाली धारणा टूटी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सबसे खास बात यह है कि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी सभी पार्टियों को लामबंद करने की एक कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ जिस भी राज्य में जाते हैं वहां के गैर भाजपा नेताओं को सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है। यात्रा की शुरुआत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो स्टालिन राहुल गांधी के साथ चले, तो जब ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो वहां एनसीपी नेता सुप्रिया सूले और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे राहुल गांधी का साथ देते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बन पाएंगे। 1960 के दशक में एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में विकसित हुई थी। उस राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां एक मंच पर आ गई थी, जनसंघ और सीपीआई और समाजवादी सब एक मंच पर थे। तब से अब तक भारत में मजबूत क्षेत्रीय शक्तियां बन चुकी हैं और वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के लिए या किसी भी तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के लिए जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को अपने टिकट बांटने की योजना इस तरह बनानी पड़ेगी
कि वो क्षेत्रीय शक्तियां भी उनसे संतुष्ट रहें और साथ में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की संभावना भी पैदा हो। ये सब कैसे होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। इससे साफ संकेत गया कि पार्टी में गांधी परिवार दूसरे नेताओं को भी तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक वक्त था जब यूपीए सरकार के दौरान राहुल ने कई बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसलों पर अपना दखल दिया था, जिससे कांग्रेस में राहुल की साख पर खासा असर पड़ा था। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश पर राहुल ने खुद ही मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अध्यादेश को बकवास बताकर फाड़ कर फेंक दिया था। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल ने इस राजनीतिक स्टंट के जरिए एक ईमानदार छवि हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ईमानदार छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साख पर जबरदस्त बट्टा लग गया और उनकी स्थिति एक रबर स्टैंप जैसी हो गई। विपक्षी दलों को इस पूरी घटना ने राहुल गांधी पर हावी होने का मौका दिया और उन्होंने न जाने क्या क्या उस वक्त राहुल गांधी के लिए कहा। सुपर प्राइम मिनिस्टर और लोकतंत्र को नहीं मानने वाले विशेषण राहुल गांधी के लिए प्रयोग किए गए। थोड़े दिनों बाद लोकसभा चुनाव आ गए और लोकसभा चुनाव 2014 में इस मुद्दे को राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से भुनाया गया और विपक्षी दलों ने बची कुची कसर भी पूरी कर ली। खुद राहुल गांधी भी मानते हैं कि उनकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की गई। वो इसकी वजह भी बताते हैं। आपको मैं बताता हूं, अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं राजनीति में आया 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे 24 घंटा राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसों। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसों गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिकरण बिल, भट्टा परसौल के बाद जमीन अधिकरण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जिस भट्टा परसौल का जिक्र किया, दरअसल वो साल 2011 की घटना है जिसमें राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया था। उस वक्त राहुल गांधी ने किसानों के लिए जमकर मार्च किया था। घटना दरअसल 7 मई 2011 की है, जब जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों और यूपी पुलिस के बीच हुए हिंसक संघर्ष में 2 किसान और 2 पुलिस वालों की जान चली गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। राहुल गांधी ने राज्य सरकार का विरोध किया और किसानों के लिए लंबा पैदल मार्च किया। माना यह जाता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा में ये एक अहम पड़ाव था। तब राहुल गांधी को राजनीति में आए महज 7 साल के करीब हुए थे। माना जाता है कि राहुल गांधी की सियासी छवि को यहां से एक अलग धार मिलनी शुरू हुई थी। इसके बाद देश और प्रदेश में कई चुनाव हुए, लगातार कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा। एक वक्त पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस इस वक्त सिर्फ 3 राज्यों में सरकार तक सिमट कर रह गई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में सहयोगी दल की भूमिका में है, वहीं लोकसभा में महज 53 सांसद हैं। ऐसे में अर्श से फर्श पर पहुंची कांग्रेस में नई ताकत और ऊर्जा भरने की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर है। आज राहुल देश भर में विरोधियों, खासतौर से मोदी सरकार से वो सारा हिसाब किताब पूरा करने में जुटे हैं जिसने कांग्रेस से उसका रुतबा छीना है।
भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल अपने इस मिशन में कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस यात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर दी है, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।